नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। महामंगल सूत्र, जिन्हें अपने जीवन में परम ऊंचाई तक पहुंचना हो, जिन्हें अपना सर्वोत्तम मंगल साधना है, जिन्हें अपने जीवन में ये स्वैभव को प्राप्त करना है, उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का ये अनमोल उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध की ये मंगलवाणी सभी के उत्थान के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए। तथागत बुद्ध ने जो 38 मंगल बातें बताई है, आइए बुद्ध के उस 38 महामंगल को हम सुने। महामंगल सूत्र। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवातेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं 88 सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जेतवन विहार में रहते थे। उस समय मध्य रात्रि में एक देवता तथागत भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध को वंदन करके नमस्कार करके एक और खड़ा हो गया और खड़ा रहकर भगवान बुद्ध को पूछता है कि भगवान, मानव के कल्याण के लिए हमें मंगल अमंगल क्या है, इसकी आप देशना करें। लोगों में और सभी जगह पर मंगल अमंगल के बारे में बरसों तक विचार चलते रहा है, लेकिन मानवीय जीवन में वास्तविक मंगल क्या है और अमंगल क्या है, इसे ठीक से कोई बता नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, मैं किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकला था और बाहर जाते समय कभी बिल्ली आड़ी गई, तो कहते हैं कि बिल्ली आड़ी गई, अरे अमंगल हो गया। बिल्ली के आड़ी जाने को अमंगल कुछ लोग मानते थे। कभी मैं रास्ते जा रहा हूं और जाते समय कभी मैंने किसी एक प्रेत को शमशान में ले जाते हुए देखा, तो कहते हैं कि अरे मुझे तो अमंगल दर्शन हो गया, किसी मरे आदमी को शमशान में ले जाते हुए मैंने देखा, अमंगल दर्शन हुआ। तो कभी कोई कहते हैं कि भाई, आज अचानक मेरे घर पर बैठकर कौवा चिल्लाने लगा, तो कौवे के चिल्लाने को कोई अमंगल कहते कि अरे कोई अपशकुन होने वाला है क्योंकि कौवा घर पे बैठकर चिल्लाने लगा है, इसे कोई अमंगल कहते हैं। तो कोई कहता है कि भाई, मैं रास्ते से जा रहा हूं और कोई महिला पानी का खाली घड़ा लेकर रास्ते से जाते हुए मुझे दिखी, तो वो विचार करता है कि अरे खाली घड़ा लेकर जा रही है कोई महिला, तो अमंगल दर्शन मैंने देखा। और कोई महिला पानी का भरा हुआ घड़ा लेकर जा रही है, तो कहते कि बड़े
बड़ा अच्छा हुआ, मंगल दर्शन मैंने देखा। कोई तीर्थ को मंगल कहता है, तो कोई किसी दिन में मंगल मंगल कहता है, कोई कहता है कि मंगलवार का दिन बड़ा मंगल का होता है, कोई कहता है बुधवार का दिन बहुत मंगलमय है, कोई कहता है कि शनिवार के दिन में बड़ा मंगल है, कोई कहता है गुरु के दिन में गुरुवार के दिन में बड़ा मंगल है। इस प्रकार कोई दिनों में मंगल मंगल मानता था, कोई बाह्य किसी दृश्य अवस्था में मंगल मंगल मानता था। तो भगवान हम ठीक से समझ नहीं पाए कि वास्तविक मानवीय जीवन में मंगल अमंगल क्या है, किसे हमने मंगल कहना चाहिए और किसे अमंगल कहना चाहिए। भगवान लोगों पर अनुकंपा करके आप हमें मंगल अमंगल की देश ना करे। इस प्रकार वो बुद्ध को पूछता है और तथागत बुद्ध ने उस समय महामंगल सूत्र की देश ना की है। ये महामंगल सूत्र बहुत कल्याण करने वाला है, बड़ा मंगलमय है। आइए आज हम उस महामंगल सूत्र को सुने जो अमर है, जो बुद्ध की अमृत वाणी है। बहु देवा मनुसाच मंगलानि अचिन्तयुं आकंखमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगल उत्तमं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं येतं मंगल उत्तमं। तब भगवान बुद्ध ने मंगल अमंगल पर उपदेश दिया। बुद्ध कहते हैं असे वनाच बालानं पंडितानंच सेवना, यानी मूर्ख आदमी की संगत ना करना ये उत्तम मंगल है। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य जीवन में। हम जिस आदमी के साथ रहते हैं, जिस आदमी के साथ उठते बैठते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ते रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि बुरे आदमी के साथ, दुष्ट आदमी के साथ, मूर्ख आदमी के साथ संगत ना करो। कोई आदमी जन्म से बुरा पैदा नहीं होता है, जन्म से कोई गुनहगार नहीं पैदा होता है, जन्म से कोई सिगरेट पीने वाला या दारू पीने वाला पैदा नहीं होता है। जब वो सिगरेट पीने वालों के साथ घूमता है, घूमते घूमते सिगरेट पीने लगता है। जब वो किसी चोरी करने वालों के साथ घूमता है, वो भी चोरी करना सीखता है। कभी बुरे काम करने वालों के साथ घूमता है तो संगत से वो भी बुरे काम करना सीख लेता है। तो संगत का बहुत बड़ा परिणाम होता है मनुष्य जीवन में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख आदमी के साथ, दुष्ट आदमी के साथ, बुरे आदमी के साथ संगत ना करो, ये मंगल है। पंडितानंच सेवना, संगत करना है तो ज्ञानी आदमी के साथ संगत करो, पंडित आदमी के साथ संगत करो, सद्गुणी सदाचारी सिलवान त्यागी ऐसे आदमी के साथ संगत करो। जब आप सद्गुणी सदाचारी लोगों के साथ संगत करेंगे तो उसके गुण, उसके सद्गुण, उसके सदाचार प्रेरणा देंगे। कौन होता है पूजनीय? जो सद्गुणी है, जो सदाचारी है, जो त्यागी है, जो महान व्यक्ति है, ऐसे महानता की, उनके त्याग की, उनके सद्गुण की पूजा करनी चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने सिखाया, ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। लेकिन किसी पर्वत की पूजा, किसी पेड़ की पूजा, किसी पत्थर की पूजा, ऐसी पर्वत की पूजा को बुद्ध ने उत्तम मंगल नहीं माना। पूजा करनी है तो सद्गुणों की पूजा करें। फिर बुद्ध कहते हैं पतिरूप देश वासोच पुब्बेच कत पुण्यता अत्त सम्मापनिधिच
एतं मंगल उत्तम पतिरूप देशो वासो च, यानी अनुकूल स्थान में रहना ये उत्तम मंगल है। ऐसे जगह पर रहो कि जो अपने विकास के लिए जो जगह जो इलाका प्रेरणा देता हो, जो हमें सहायक बनता हो, ऐसे अच्छे जगह पर रहना ये उत्तम मंगल है। लेकिन जो आदमी बुरी जगह पर रहता है कि जहां हमेशा झगड़े फिसाद होते हो, जहां पर हमें अच्छा वातावरण नहीं है, भयावह वातावरण है, या अपने पड़ोस के लोग जहां अच्छे नहीं हैं, जहां अच्छे लोग नहीं रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहना ये उत्तम मंगल नहीं है। लेकिन अनुकूल वातावरण, अपने विकास के लिए अनुकूल, अपने प्रगति के लिए अनुकूल, ऐसे वातावरण में रहना ये उत्तम मंगल है। पतिरूप देश वासोच पुब्बे च कत पुण्यता, यानी अपने पूर्व कर्मों का, कुशल कर्मों का संचय रहना ये उत्तम मंगल है। किसे कहते पूर्व कर्म, यानी हमारे कुछ साल पहले हमने जो अच्छे काम किए हैं। पूर्व कर्म का मतलब केवल पूर्व जीवन के कर्म ऐसा नहीं, बल्कि इसी जीवन में 5 साल पहले मैंने क्या किया, 10 साल पहले मैंने क्या किया, 20 साल पहले मैंने क्या किया, 2 साल पहले मैंने क्या किया, इन कर्मों का बड़ा, अच्छे कर्म का बड़ा अच्छा असर हमारे जीवन में होता है। आज हम जो कुछ भी है, 10 साल पहले हमने जो किया है उसका परिणाम आज है, 2 साल पहले मैंने जो किया है उसका परिणाम मैं आज हूँ, 15 साल पहले मैंने जो कुछ किया है उसका परिणाम हमें आज मिलता है, या आज हम जो करते हैं उसका परिणाम हमें आने वाले सालों में मिलेगा। इसीलिए अपने पूर्व कर्म, यानी कुछ सालों के पहले किए हुए कर्म, ये अच्छे हो तो बड़ा हमारा मंगल होता है। पुब्बे च कत पुण्यता अत्त समापनिधि च एतं मंगलम उत्तमं, अपने आप को अच्छे रास्ते पर लगाए रखना, योग्य मार्ग पर लगाए रखना, जागरूक होकर अच्छे रास्ते पर चलते रहना ये उत्तम मंगल है मानवीय जीवन में। फिर बुद्ध कहते हैं बाहु सचंच सिप्पंच वीनयोच सुशिक्षितो सुभाषिताच या वाचा एतं मंगल उत्तमं। देखो बुद्ध ने क्या सिखाया उन दिनों, बाहु सचंच, कई प्रकार की शिल्प कलाओं को हस्तगत करना ये उत्तम मंगल है। जितनी कलाएं, जितने गुणों को हम अपने जीवन में हासिल करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। कौन सी है कलाएं, जैसे इंजीनियरिंग की कला, ये एक कला है। जो आदमी इंजीनियरिंग की विद्या को प्राप्त करता है, कोई डॉक्टर की कला, ये भी एक कला है, आर्किटेक्ट की विद्या, ये भी एक कला है, मूर्ति बनाना, ये भी एक कला है, कंप्यूटर में अच्छे प्रावीण्य मिलाना, अच्छे कोर्स कंप्यूटर के करना, ये भी एक कला है। जिन आदमी के पास जितनी अधिक कलाएं होगी उतना उसका जीवन मंगलमय होगा, उसके कलाओं की कीमत समाज में होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारे कलाओं को, बहुत सारे ज्ञानों को अपने जीवन में हस्तगत करो, ये उत्तम मंगल है मानवीय जीवन में। विनयोच सुशिक्षितो, विनयशील बनो, विद्या विनयेन शोभति, ऐसा मराठी में कहते हैं कि विद्या भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विनय चाहिए, विनम्रता चाहिए। विनम्रता यानी विनम्र होना उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। सुशिक्षितो, हमें सुशिक्षित बनना चाहिए। देखिए आज हम बहुत बात करते हैं सुशिक्षित बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा सीखो, संगठित बनो और न्याय के लिए, हक के लिए संघर्ष करो। तो सीखो ये बात जो बाबा साहब ने बताई, और सारे दुनिया में आज लोग कहते कि हमें सुशिक्षित बनना चाहिए, लेकिन मालूम है आपको ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई। वीनयोच सुशिक्षितो
सुशिक्षितों का मतलब है सुशिक्षित बनो, ज्ञानी बनो, पढ़ो लिखो, पढ़े लिखे बनो, ये जीवन में उत्तम मंगल है। बुद्ध ने कोई पर्वत की पूजा नहीं सिखाई, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सुशिक्षित बनो, ये जीवन में उत्तम मंगल है। सुभाषिता च या वाचा एतं मंगल उत्तमं, अपनी वाणी सुभाषित रहे, मीठा बोलना सीखो, प्रेम से बोलना सीखो, करुणामय भाव से बोलना सीखो, यानी कर्कश ना बोलो, किसको गाली गलौच न करो, मीठी बात बोलना सीखो, सुभाषित अच्छे बोलने वाले बनो, ये जीवन में उत्तम मंगल है, उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते हैं माता पितु उपठानं पुत्र दारस्य संग हो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगल उत्तमं, यानी माता पिता की सेवा करो, माता पिता को अपने भगवान जैसे मानो। हमें जन्म हमारे माता पिता ने दिया, हमारा पालन पोषण माता पिता ने किया, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, बहुत बड़ा उपकार होता है माता पिता का हर एक व्यक्ति पर। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि माता पिता का सम्मान करना सीखो, पूजा करनी है तो अपने माता पिता की पूजा करो, माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, उनकी सेवा करो, ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। पुत्र दारस्थ संग हो, अपने परिवार के लोगों की सेवा करो, अपने पत्नी की सेवा करो, उन्हें अच्छी सुविधाएं दो, सहूलतें दो, अपने पति की सेवा करो, इसे उत्तम मंगल कहते हैं। अपने लड़के बच्चों की सेवा करो, इसे उत्तम मंगल कहते हैं। पुत्र दारस्थ संग हो, अपने पुत्र की, लड़के की, लड़कियों की सेवा करो, यानी उन्हें अच्छा रास्ता दिखाओ, अच्छे संस्कृति दो, धम्म के रास्ते पर लाओ, सदाचार सद्गुण के रास्ते पर लाओ, इसे कहते हैं उत्तम मंगल मनुष्य जीवन में। अनाकुला चकम्बंता एतं मंगल उत्तमं, ऐसे काम ना करो कि जो निंदनीय हो, जो लोगों के द्वारा जिसकी निंदा की जाती है, जिन्हें बुरे कहते हैं, ऐसे बुरे काम ना करो, ये मनुष्य जीवन में उत्तम मंगल है, उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते हैं दानंच धम्मचर्याच यातकानंच संगहो अनवज्जानी कम्मानी एतं मंगल उत्तमं, यानी दान देना सीखो, दान देना उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। जो भी हम अपने शक्ति सामर्थ्य से मिलाते हैं, जो भी हम कमाते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के अच्छे कामों के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दान देना सीखो, दान देना ये उत्तम मंगल है। क्यों हमने दान देना चाहिए? क्योंकि यदि जो हम कमाते हैं तो उसका तो उपयोग हमने करना ही है, और अपने कमाई का उपयोग हम करें और उसके साथ साथ दूसरों को भी मेरे कमाई का कैसा उपयोग मिले, दूसरों को भी सुख शांति कैसी मिले, इस भावना से दान देना, समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए दान देना, ये उत्तम मंगल है। केवल हम अपने इनकम का उपयोग अपने लड़के बच्चों के ही पालन पोषण में करते हैं तो इससे बहुत बड़ा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़के बच्चों के प्रति आत्मीयता होना, प्रेम होना, ये तो सर्वसामान्य बात है। केवल आदमी में नहीं बल्कि पशु पंछियों में भी अपने लड़के बच्चों के प्रति बड़ा प्यार होता है। आप देखिए बिल्ली को, जब बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो बड़ी उसकी हिफाजत करती है, बहुत उसकी आरक्षा करती है। कोई पंछी देखो, कौवा देखो, कौवा भी जब अपने बच्चों को जन्म देने के बाद वो जब छोटे होते हैं तो अपनी जान दिक्कत में डालकर वो कहीं से अपने चोंच में दाने उठा लाता है और अपने बच्चों के मुंह में डालता है। इसे कहते हैं प्रेम।
तो यह प्रेम तो पशु पंछियों में भी है, सभी में है। अपने बच्चों के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, ये तो सर्व सामान्य बात है। लेकिन मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरी इनकम दूसरों की भी सुख शांति में लगे, समाज के सुख शांति में लगे, बाबा साहब जैसे महापुरुष ये दूसरों के सुख शांति के लिए जीते हैं, इसलिए वो महान बनते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष दूसरों के सुख शांति के लिए जीते हैं, समाज के धम्म के सुख शांति के लिए वो जीते हैं, तब वो महान बनते हैं। जैसे अनाथ पिंडक ने बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा दान दिया, वो जमीन सोने के दाम में जमीन खरीदी, बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया। किस लिए बनाया? लोगों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो दान देना ये उत्तम मंगल है। यदि मान लो हमने दान नहीं दिया, पैसा संग्रहित करके रखा, तो पैसा या धन दौलत हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं, एक न एक दिन वो हमारी धन दौलत हमारे हाथों से छीनी जाती है। हम न भी चाहे फिर भी वो दौलत हमारे हाथ से छीनी जाएगी, यानी जब हम मरेंगे तो मरते समय हमारा धन दौलत पैसा अपने साथ हम नहीं ले जाएंगे, यही रहता है। और हम न भी चाहे तो लोग उसका वैसा भी उपयोग करने लगेंगे, हमारे बच्चे कैसे उसका उपयोग करेंगे हम नहीं जानते, हमारे परिवार के लोग कैसा उसका उपयोग करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन जीते जी मेरे धन का, मेरे इनकम का यदि मैंने अच्छा उपयोग किया, अच्छे काम में मैंने लगाया, तो बहुत बड़ा पुण्य मुझे मिलेगा, बड़ा मुझे एक सम्मान मिलेगा। इसलिए दान देना ये उत्तम मंगल है। धम्म का प्रचार दान के बल पर ही हुआ है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, बुद्ध विहार बनवाए, कितना दान दिया उन्होंने लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो दान केवल बड़े आदमी नहीं देना चाहिए, ऐसी बात नहीं, गरीब भी आदमी दान दे सकता है, सर्वसामान्य आदमी भी दान दे सकता है। विशाखा ने दान दिया, सुजाता ने दान दिया, और कई लोगों ने दान दिया। अपने सामर्थ्य से जो भी हम दान दे वो देना चाहिए। तो दान देने को तथागत बुद्ध ने उत्तम मंगल कहा। केवल लेना ही नहीं समाज से, लेना ही नहीं बल्कि देना सीखना है हमें, देना सीखना है हमें। इसलिए दान देने को उत्तम मंगल कहते हैं। धम्मचर्या च, हमारी चर्या धम्म के अनुसार हो, हम धम्मवान बने, धम्म का पालन करने वाले बने, इसे उत्तम मंगल कहते हैं। यहां तक आनंद संग हो, अपने रिश्तेदारों का, मित्रों का संग्रह करो, अधिक से अधिक हमारे रिश्तेदार बने रहे, अधिक से अधिक हमारे मित्र बने रहे। जितने हमारे ज्यादा मित्र रहेंगे उतनी हमारी वो प्रॉपर्टी है, जितने अधिक हमारे रिश्तेदार रहेंगे उतनी वो हमारी प्रॉपर्टी है। इसीलिए अधिक से अधिक मित्रों को बनाओ, उसका संग्रह करो, अपने रिश्तेदारों का संग्रह करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, तो ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। ये बुद्ध कहते हैं, अनवज्जानी कम्मानी एतं मंगलम उत्तमं, यानी बुरे काम ना करो, जो काम निंदनीय है ऐसे कामों को ना करो, इसे उत्तम मंगल कहते हैं मनुष्य जीवन में। फिर बुद्ध कहते हैं, आरती वीरती पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल उत्तमं। आरती वीरती पापा, यानी पाप कर्मों से, बुरे कार्यों से बचे रहो, ये उत्तम मंगल है। दूसरों को दुख देने वाले कार्य, दूसरों को परेशान करने वाले कार्य, इसे कहते पाप कर्म। ऐसे पाप कर्मों से बचे रहो, ये उत्तम मंगल है। मज्ज पाना च संयमो, नशा पानी में ना लगे रहो, उस पर संयम करो, नशा पानी पर संयम करना, अपने इंद्रियों पर संयम करना, अपने खान पान पर संयम करना, इसे कहते हैं उत्तम मंगल। अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल उत्तमं, धम्म के कार्य में
प्रमाद ना करो, अच्छे कार्य में प्रमाद ना करो। जो कोई अच्छा काम हो, आपको लगता है कि ये काम अच्छा है, मेरे कल्याण का है, मेरे समाज के कल्याण का है, किसी के दुख का नहीं है, ऐसा यदि आपको लगता है तो वो काम तुरंत करो। अच्छे काम करने में प्रमाद ना करो, देरी ना करो, आलस ना करो, ये उत्तम मंगल है। लेकिन जो बुरा काम है, कभी कोई कठोर निर्णय हमें लेना पड़ता है, तो कठोर निर्णय लेते समय हजार बार सोचो, लाख बार सोचो, और फिर कभी कठोर निर्णय लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन हजार बार लाख बार सोचने के बाद। लेकिन कोई अच्छा काम करने में देरी ना करो, क्योंकि मनुष्य का मन बदलते रहता है। आज यदि मुझे अच्छा करना है तो आज ही कर लेना चाहिए, कल पर उसे टालना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं उत्तम मंगल, उत्तम मंगल। अप्रमादो च धम्मेषु, धम्म में कोई प्रमाद ना करो, अच्छे काम में प्रमाद ना करो, ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगल उत्तमं। गौरव करना सीखो, जो गौरव करने वाले लोग हैं उनका गौरव करना सीखो, कृतज्ञ बनना सीखो। जिन लोगों ने हम पर छोटा मोटा उपकार किया हो उसके प्रति कृतज्ञ भाव बनाए रखना सीखो, विनम्रता बनाए रखना सीखो, संतुष्टि च, संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्टि ये भी उत्तम मंगल है। अपने पूरे शक्ति से, सामर्थ्य से आदमी ने मेहनत करना चाहिए, कमाना चाहिए, और मेरे पूरे शक्ति से जो भी मैं कमाता हूं उस पर हमने संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ये उत्तम मंगल है। नहीं तो हम कहते कि आज मैं हर महीने का 10,000 कमाता हूं, लेकिन कहता हूं कि मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे 25,000 मिलने चाहिए, तो 25 कमाने लगा, फिर कहता कि 25,000 से क्या होगा मेरा, मुझे तो 50,000 मिलने चाहिए, 50 भी मिलने लगे, फिर भी समाधानी नहीं हूं, मैं कहता हूं कि 1,00,000 मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक मिले मिले ऐसे करते रहेंगे, और जो हम करते उसमें समाधानी नहीं रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। पूरे मेहनत से काम करो, अधिक से अधिक मिलाने का प्रयास करो, लेकिन जो भी मिलता है हमें उसमें समाधानी रहना सीखो, उसमें संतुष्ट रहना सीखो। इसे कहते हैं उत्तम मंगल मनुष्य जीवन में। और कृतज्ञ भाव बनाए रखना सीखो, कृतज्ञ रहना, ये भी उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। इस प्रकार कालेन धम्म सवनं एतं मंगल उत्तमं। उचित काल पर धम्म श्रवण करना सीखो। कौन सा है उचित काल? यानी कभी धम्म परिषद का आयोजन करना, कभी धम्म प्रवचन का आयोजन करना, इसे कहते हैं उचित काल। कभी पूर्णिमा के दिन बुद्ध विहार में जाकर धम्म श्रवण करना, कभी अष्टमी के दिन, कभी अमावस्या के दिन, कभी पूर्णिमा के दिन धम्म सभा का आयोजन करना, इसे कहते कालेन धम्म श्रवणम। तो ऐसे काल में धम्म का श्रवण करना सीखो, धर्म का पठन पाठन करना सीखो, ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। खन्ति च सोव च सता समानानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छ एतं मंगल उत्तमं। खन्तीच, खन्तीच यानी क्षमाशील होना, हमने क्षमाशील बनना चाहिए। कभी किसी ने अपराध किया तो उनको क्षमा करने की भी शक्ति हमें कभी हो तो ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। सोवचस्ता यानी आज्ञाकारी होना, ये बड़ा गुण है मनुष्य जीवन में, हमने आज्ञाकारी बनना चाहिए, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले बनना चाहिए, कि उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। समानानंच दस्तनं, श्रमणों का, साधु संतों का दर्शन, ये भी उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। क्यों इसे उत्तम मंगल कहते हैं? मान लीजिए बंबई जैसे बड़े शहरों में रेलवे से जब लोग प्रवास करते हैं, जब वीटी में या चर्च गेट में लोग उतरते हैं, एक गाड़ी में से हजारों लोग उतरते हैं, लेकिन मान लो इन हजारों लोगों में कोई एक भी श्रमण हो, एक भी कोई बौद्ध भिक्षु हो,
तो वो बौद्ध भिक्षु को देखते बराबर हमें धर्म की याद आती है, संघ की याद आती है, बुद्ध की याद आती है। वहां हजारों लोग प्रवास करते हैं लेकिन उन्हें देखकर कभी बुद्ध की याद नहीं आती, उन्हें देखकर कभी धम्म की याद नहीं आती। लेकिन उन लोगों में एक भी केवल पीत वस्त्रधारी हो, एक भी केवल श्रमण हो, तो उन्हें देखते बराबर हमें धम्म याद आता है। इसीलिए ऐसे अच्छे साधु संत का दर्शन ये उत्तम मंगल माना जाता है मनुष्य जीवन में। काले न धम्म सवनं, काले न धम्म साकच्छा, एतं मंगल उत्तम। उचित काल पर धम्म पर चर्चा करना उत्तम मंगल है। धम्म पर प्रश्न उत्तर करना, धम्म पर शंका संदेह करके उसका निरसन करना उचित काल पर ये करे तो इसे उत्तम मंगल कहते हैं। केवल कोई कहता है इसलिए उसे न मानो, बल्कि साक्षात्कार करो, प्रश्नोत्तर करो, अपने शंकाओं को समझने का प्रयास करो। लेकिन ये कब, कभी भी नहीं, उचित समय पर। कौन चाहे उसे समय पूर्णिमा के दिन या किसी सभा सम्मेलनों में या कोई धर्म का वातावरण जहां निर्माण हुआ है, धर्म की चर्चा परिचर्चा जहां चल रही है, ऐसे वक्त अपने प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करो। इसे कहते हैं उत्तम मंगल, उत्तम मंगल। उसके बाद बुद्ध ने बताया, तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निब्बान सच्ची क्रियाच एतं मंगल उत्तमं। तपोच ब्रह्मचर्यंच यानी तपश्चर्या करना, त्याग करना, मेहनत करना, किसी बात को हासिल करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा तप करना पड़ता है। ये कॉलेज वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के बच्चे जानते हैं कि कॉलेज की परीक्षा देने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। रात के एक एक दो दो बजे तक, तो कभी कभी सारी रात तक कुछ लोग पढ़ते हैं। इसे कहते तपश्चर्या, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो तपश्चर्या करना, किसी अच्छी बात को हासिल करने के लिए मेहनत करना, ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या के दो अर्थ है। ब्रह्मचर्या का मतलब ज्ञान की चर्या, जिसे ब्रह्म विहार भी कहते हैं। करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ऐसे चार विहारों में वास्तव्य करना, इसे ही कहते हैं ब्रह्मचर्या। और दूसरा, ब्रह्मचर्या का मतलब शादी ब्याह न करके ब्रह्मचर्य का कुछ समय तक पालन करना। विद्यार्थी जीवन में हमारे 25 साल तक, 20 या 25 साल तक का जीवन विद्यार्थी जन का जीवन होता है, तप साधना करने का जीवन होता है। तो हमने कुछ हासिल करने के लिए, ज्ञान को, विद्या को हासिल करने के लिए 25 साल तक, 20-25 साल तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीकर ज्ञान को हासिल करना चाहिए। इसे कहते उत्तम मंगल। और उसके बाद कुछ हासिल करने के बाद शादी विवाह करो और अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करो, इसे कहते हैं उत्तम मंगल। अरिय सच्चान दर्शनं, चार आर्य सत्यों का दर्शन करना, ये उत्तम मंगल है। कौन से है चार आर्य सत्य? दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, और दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य। इन चार आर्य सत्यों का दर्शन करें, केवल किताब में पढ़कर नहीं, तो उनका दर्शन, अपने अनुभव से दर्शन करे, तो इसे कहते उत्तम मंगल। निब्बान सच्ची क्रियाच एतं मंगल उत्तमं। ये देखिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा है कि निब्बान का साक्षात्कार करना ये उत्तम मंगल है। बहुत सारे लोग निर्वाण के बारे में, निब्बान के बारे में बड़े भ्रम भ्रांति में रहते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि मरने के बाद आदमी को निर्वाण मिल गया। कोई कहते हैं कि मरने के बाद वो बुद्धवासी बना, कुछ कहते हैं मरने के बाद उसका निर्वाण हो गया। ये गलत बात है। निर्वाण मरने के बाद कभी नहीं मिलता, निर्वाण मिलता है जीते जी, जीवित काल में निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहिए। जीवित काल में निर्वाण का साक्षात्कार किया जाता है, साक्षात्कार होता है, मरने के बाद कभी निर्वाण नहीं मिलता। जिन्हें जीते जी निर्वाण मिल गया, मरने के बाद उसे महापरिनिर्वाण मिलता है, उसे कहते महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण का हमें जीवित काल में साक्षात्कार करना है। तथागत बुद्ध के समय अरहत सारिपुत्र, अरहत मोदगल्लायन, अरहत आनंद, अरहत काश्यप, इन्होंने जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार किया। यानी अरहत बनना ये जीवित काल में निर्वाण का साक्षात्कार करना है। अरहत बनने की जो चार सीढ़ियां है, चार स्टेजेस है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत। तो ये जो चार सीढ़ियां, चार स्टेजेस, ये मरने के बाद नहीं मिलती, इन्हें प्राप्त किया जाता है जीते जी। जीते जी आदमी श्रोतापन्न बन सकता है, सकृदागामी बन सकता है, अनागामी बन सकता है, अरहत बन सकता है। तो ये अरहत्व का साक्षात्कार यानी निर्वाण का साक्षात्कार जीते जी किया जाता है। इसे कहते हैं निर्वाण सच्ची क्रिया च। निर्वाण का साक्षात्कार करे, निर्वाण का साक्षात्कार करना ये उत्तम मंगल है मनुष्य जीवन में। फिर बुद्ध कहते हैं फुट्ठस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्तन कंपति अशोकं वीरजं खेमं एतं मंगल उत्तमं। फुट्ठस्य लोकधम्मे हि, जो आठ प्रकार के लोक धर्म होते हैं, कौन से आठ प्रकार के? हमारे जीवन में कभी हमारा सम्मान होता है, कभी हमारा अपमान भी होता है, कभी हमारा लाभ होता है, कभी अलाभ भी होता है, कभी हमारी बहुत निंदा होती है, कभी प्रशंसा होती है। निंदा प्रशंसा, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन में कभी सुख मिलता है और कभी दुख मिलता है। तो ये आठ प्रकार की चीजें जीवन में, हर एक आदमी के जीवन में आती ही रहती है। तो जो आदमी इन आठ प्रकार के अवस्थाओं में अपने मन को तटस्थ रखता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, इसे कहते हैं उत्तम मंगल। ऐसा नहीं कि जीवन में कभी सुख आया तो बहुत नाचने लगे, बहुत सुखी हो जाए, और दुख आया तो खूब रोने लगे, चिल्लाने लगे, कभी नफा हुआ तो खूब नाचने लगे, और नुकसान हुआ तो एकदम दुखी हो जाए, कष्टी हो जाए, ऐसा नहीं। तो लाभ भी हुआ तो भी आदमी ने समता में रहना सीखना चाहिए, नुकसान भी हुआ तो भी समता में रहना सीखना चाहिए, दुख भी हुआ तो भी समता में रहना सीखे, सुख भी हुआ तो भी समता में रहना सीखे, स्थित प्रज्ञ रहना सीखे, इसे कहते हैं उत्तम मंगल। यानी आठ प्रकार के चढ़ाव उतारों में जो आदमी अपने मन को स्थिर रखता है, स्थित प्रज्ञ रखता है, यह है मनुष्य जीवन में उत्तम मंगल, जिसका चित्त कंपित नहीं होता। अशोकं वीरजं खेमं एतं मंगल उत्तमं। अपने चित्त को ऐसे समय में स्थिर रखे, स्थित प्रज्ञ रखे, तो यही उत्तम मंगल है। एता दिशानि कत्वान सबत्थम पराजिता सबत्थ सोत्थिंग गच्छन्ति तं ते संग मंगल उत्तम। इस प्रकार के उत्तम मंगलों को जानकर जो आदमी अपने जीवन में इन गुणों को, इन मंगलों को अपने जीवन में हासिल करता है और हासिल करके उसके अनुसार जो चलता है, ये बहुत बड़ा मंगल है मनुष्य जीवन में। तथागत बुद्ध ने सभी लोगों के कल्याण के लिए ये मंगल बातें बताई है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि किसी कव्वे के चिल्लाने में या ना चिल्लाने में मंगल अमंगल है। बुद्ध ने यह नहीं कहा
कि किसी राशि भविष्य में मंगल अमंगल है, किसी दिन में मंगल अमंगल है, ये बातें बुद्ध ने नहीं बताई, बल्कि बुद्ध ने मंगल उन बातों में बताया, गुणों में, ज्ञानों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, इन्हीं में मंगल बुद्ध ने बताया। आइए उस बुद्ध ने बताए हुए महामंगल सूत्र को, जिसे महामंगल सूत्र है, जिनमें 38 मंगल बुद्ध ने बताया है, उन्हें ओरिजिनल उस बुद्धवाणी को हम सुने। बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिन्तयं आकंक्षमाना सोत्थानं गृहे मंगल उत्तमं असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजाच पूजनीयानं येतं मंगल उत्तमं पतिरुपदेशवासोच पुब्बे च कतपुञ्यता अत्त सम्मापनिधि च एतं मंगल उत्तमं बाहु सचंच सिपंच विनयोच सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगल उत्तमं माता पितुव पठानं पुत्तदारस्य संगहो अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मंगल उत्तमं दानंच धम्मचर्याच यातकानंच संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगल उत्तमं आरती विरती पापा मज्जपान च संयम अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल उत्तमं गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगल उत्तमं खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छ एतं मंगल उत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च अरिये सच्चान दस्सनं निब्बान सच्चिकिरिया च एतं मंगल उत्तमं फुट्ठस्स लोकधम्मेहि चित्तं यस्स न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगल उत्तमं एतादिशानि कत्वान सबत्थम पराजिता सबत्थ सोत्थिं गच्छन्ति तं ते सं मंगल उत्तमं। इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने 38 मंगल बातों को लोगों के कल्याण के लिए बताया है। आइए इन 38 मंगलों को अपने जीवन में धारण करें और अपना मानवीय जीवन मंगलमय बनाए, मंगलमय बनाए, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु।
मंगलं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, साथ साथ।